हेलो नोबर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हुए द नोबर्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स के चैनल पे। सो हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, जो कि TNC स्पोर्ट्स के द्वारा प्रेजेंट किए गए विजय स्क्रीम्स के अंदर। सो टोटल 15 टीम्स अलाइव एंड टोटल 55 प्लेयर्स जॉइंड। तो अभी चेकआउट करते हैं कौन कौन से स्क्वाड कहाँ पर उतर रहे हैं और उन सभी का ड्रॉप लोकेशन वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोवर अपने सोते हुए 70 तक जाते हुए स्क्वाड सभी उनको मिलिट्री भी जाने के चांसेस, यहाँ पे मिल्टा पावर जाने के चांसेस एंड पोचिंग की स्कूल ड्रॉसअप, तो स्क्वाड्स जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या कोई स्क्वाड 7 नहीं जाएगी वो चेकआउट करते, क्या कोई स्क्वाड मैंशन जाएगी वो चेकआउट करते, और कोई स्क्वाड के पूरा व्हीकल के साथ रोटेशन देखेंगे, क्या कोई स्क्वाड जॉर्जपोल साइड जाएगी कि नहीं चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे टीम नंबर 24 एंड एज वेल एज टीम नंबर मैक्स की स्क्वाड, टीम FW की स्क्वाड एंड टीम मैक्स की स्क्वाड। यहाँ पे मिलिट्री रैंक की तरह बढ़ते हुए मेरे को स्पॉट आउट हो रही है। टीम मैक्स पे नजर डालते हैं, वो कहाँ पर उतर रही है, फैक्ट्री के साइड उतरते हैं। टीम FW स्क्वाड ऐसे सी बिल्डिंग पर उतरी है। टीम लॉस्ट यहाँ पे नोवर अपने उतरते देखने में। टीम कॉस्ट को मिल्टा पावर की तरह बढ़ते हुए, पर मिल्टा पे शायद से ड्रॉप होते हुए स्पॉट आउट हो रहे। टीम टोरंटो की स्क्वाड मेरे को मिल्टा पे उतरते हुए देखने में। टीम अर्बन गेम लिंक भी यहीं पे, एक तरह से एक रोड का डिफरेंस है, एक रोड के गैप के अंदर चेकआउट करते कहाँ पे उतरते। पिछले वाले कल के मैच इब्राहिम ने काफ़ी सारे किल सिक्योर किए थे, लेकिन पिछले वाले मैच ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो इस वाले आज के मैच है रेंगल वाला मैप के अंदर कितने किल सिक्योर करते वो चेकआउट करते, लेकिन उनको सबसे पहले एक ही मिल चुके तो अपने फाइट में एंगेज करेंगे। उनके सामने स्कारल भी है, तो डिसेंट से लूट वगैरह ऑलरेडी हमको देखने में मिल जा रहे प्लेयर्स के सामने। और यहाँ पे मटन चौक के सिमिलर एक स्पॉट आउट हो रहे। तो जैसे आपको पता है कि आफ्टर द रिसेंट बस AKM इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन द क्लोज रेंज। तो अगर आपके पास AKM है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप इजीली फाइट्स को निकाल सकोगे। तो अभी स्क्वाड्स वगैरह लूट कर रहे, तो चेकआउट करते हैं बाकी सारे स्क्वाड्स कहाँ पर उतरे। यहाँ पे पोची के टीम टमाटो के स्क्वाड जाते हैं देखने में। टीम SOP की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, यहाँ पे अपार्टमेंट उतरी एंड एज वेल एज उनके प्लेयर्स आते हैं वो थोड़े से दूर लैंड हुए। टीम CN की स्क्वाड हमको अपार्टमेंट और स्कूल के बीच है, जो वेयरहाउस जो बिल्डिंग है कंपाउंड्स पे लूट वगैरह कंटिन्यू करते हुए देखने में। यहाँ पे गब्बर विद DBS एंड क्रॉसबो के साथ रन करते हैं, तो शायद से उनको लूट वगैरह करनी पड़ेगी। यहाँ पे पोचिंग की भी नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे स्कूल एंड रोजॉक साइड भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्क्वाड्स वगैरह लूट कर रहे हैं। तो अभी टीम इंसेंट की तरफ से रोटेशन आ रहा है, यहाँ पे बग्गी के साथ उनके प्लेयर्स उनका रोटेशन शायद से जॉर्जपुर तक देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे रोजॉक में तो यहाँ पे रुकने का चांस है ही नहीं। सेफ वगैरह ऐसे लीड करते हुए हम बढ़ते तब तक टीम 24 की तरह टीम 15 की तरह जो कि टीम लिक्विड कॉन्टैक्ट प्लेयर्स उन्होंने स्पॉट आउट कर चुके हैं। आयुष को टेक के जोर से यहाँ पे साउंड है, लेकिन M16 से डैमेज देखेंगे चेकआउट करते हैं। यहाँ पे ESP के मनोज ने जी यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉय यहाँ पे इंसेंट के एनवॉय को ड्रॉप डाउन करते हुए विद पिस्तल का काफ़ी बेहतरीन पिस्तल शॉट। यहाँ पे शायद से वेट कर रहे थे शायद से इंसेंट के एनवॉय के अंदर, अब इंसेंट के सेफ वगैरह उनको छोड़ के यहाँ पे निकलते हुए उनको प्लेयर को ऑफकोर्स हुआ था। यहाँ पे इनवा अभी इतना यहाँ पे रुकने का चांस नहीं था, या फिर शायद से पता नहीं उनको यहाँ पे बग्गी से उतार दिया। यहाँ पे बग्गी से उतारने का चांस नहीं था क्योंकि यहाँ पे बग्गी इतने स्पीड से आ रही थी, यहाँ पे बग्गी वगैरह नहीं रुकते, लेकिन आयुष को टेकना पे इंसेंट कैनवे का किल वगैरह सिक्योर कर चुके हैं। यहाँ पे टीम बीस्ट की स्क्वाड यहाँ पे फाइट में एंगेज करते हैं, 3v3 प्रॉपर 3v3 फाइट। यहाँ पे बीस्ट के गजी के साथ हमको यूजी एंड मिनी 14 देखने में, CN के दांते हम नॉकआउट टी के सुजल की तरह। यहाँ पे टी के सुजल काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड और उनको फिनिश ऑफ कर दी जा रही है, पिस्तल से उनको फिनिश ऑफ कर दी जा रही है, लेकिन उनके साथ DB20 थी। TLG के मित्र ने एवल्स के विंटर का UMP से नॉक एंड फिनिश ऑफ करते हैं। TLG के सुजल यहाँ पे आए तो आए कैसे, शायद अभी ड्रॉप हो ये नहीं पता। एवल्स के विंटर का किल वगैरह सिक्योर होते हैं। यहाँ पे मेल अभी फिलहाल के पोचिंग की साइड में आई एम नॉट रॉन्ग TE के दो प्लेयर से अभी ड्रॉप किए थे, तो इसकी वजह से इतने लेट यहाँ पे टीम CN के फाइट में एंगेज करते हैं। लेकिन हमें टी बीस के गजी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे विद VSS का थंडर रोज विद AKM एंड DBS के क्या अपने प्लेयर को क्या कवर फाइट दे पाते हैं। इन्हें बॉट के अद्दान जी वो अपने प्लेयर को यहाँ पे पिकअप करते हैं देखने मिलते हैं। टीम लिक्विड क्वांटम यहाँ पे रशिंग करती है, हमारे टीम TLG वैसे टीम DMR के जैसे फाइट हो रही है। यहाँ पे डी ने TLG के डैनी को नॉकआउट करते हैं, TLG के डैनी ने भी यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया था, तो चेकआउट करती है फाइट कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे लिपो का फाइट हो रही है TLG वैसे टीम DMR के पीछे, DMR अपने कॉपी से स्टैंड अप करके डैनी को रिवाइज देना पड़ा। DMR के स्क्वाड के सिर्फ दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, प्रमोद और विंटर दोनों बंदे नॉकआउट हो चुके हैं ऑलरेडी, नॉक एंड फिनिश ऑफ हो चुके हैं। DU की तरफ से यहाँ पे ग्रेंड करने को यहाँ पे मित्र अपने प्लेयर को यहाँ पे पिकअप करने के लिए स्मोक वगैरह कर रहे हैं। अभी DU की तरफ से क्या ग्रेंड आ जाए, ग्रेंड वगैरह आ जाए काफी बेहतरीन ग्रेंड, लेकिन फिलहाल के ज्यादा ओवर कुक हो जाएगा, तो इसके वजह से यहाँ पे ग्रेंड थोड़ा डैमेज तो नहीं दे पाए, लेकिन अपने को फॉल बैक करने का कॉल आ जाएगा। TLG थ्री मैच स्टैंडिंग है, DU के यहाँ पे पोजिशन वगैरह रिवील है। TLG गोस्ट वगैरह शायद से स्पॉट कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिन्हें स्पॉट तो नहीं कर पाया, लेकिन डैनी का किल तो सक्सेसफुल सिक्योर हो जाएगा। DMR के सागर पे अगर सागर कितने सागर अगर कवर करनी है तो काफ़ी मुश्किल से, लेकिन हमें DU ने यहाँ पे AKM से स्प्रे डाउन दिया था, लेकिन यहाँ पे ग्रेंड्स वगैरह कर दिए थे, लगातार ग्रेंड्स कर दिए जा रहे उनके प्लेयर्स पे, और DU फिलहाल के अपनों को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। TLG के मित्र यहाँ पे जी रशिंग करते हुए रशिंग करके अपने प्लेयर को यहाँ पे
रिवाइव देने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या डीआर के सागर को उनको स्पॉट आउट, जी डीआर के सागर को तेल से की मतलब स्पॉट आउट कर दे, लेकिन अब फायर इंटेंस बड़े काफी ज्यादा लेटर चलेंगे, डीवन पे ड्रॉप शॉट ले तो ड्रॉप शॉट से मिथुन नॉकआउट हो जाए, काफी ज्यादा बेहतरीन ड्रॉप शॉट दिया जी घोस्ट ने, तेल जी घोस्ट शॉट फिर आगे से टीएल जी घोस्ट हम ओपन से रश करते हैं, देखने जाए जो कि एवेंस के स्क्वाड एक तो 2v2 फाइट हो जाएगा वापस से, 2v2 फाइट में ड्यू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, घोस्ट अपना को सेल्फ सर्टिफिकेट मार रहे हैं वापस से अपना फुल हील करेंगे, लेकिन उनके हेलमेट नहीं है और हेलमेट नहीं है तो उसे बोलते एक एम के एक बुलेट से हमें नॉकआउट फिनिश होने के चांस, टीएल जी घोस्ट पर डिफ्यूज लेने की कोशिश, अभी स्मोक का कवर बनाते हैं केयर की तरफ, केयर साइज इस फाइट में एंगेज नहीं कर पा, काफी ज्यादा दूर थे फिलहाल के लाजेंगे विद द बाइजन एंड मिनी 14 के साथ, मिनी 14 के डैमेज अच्छे लेकिन क्लोज रेंज में बाइजन से थोड़ा काम चला रहा, काम चलाना शायद से बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो गन चाहिए होगा, तो हम पे बाइसन के साथ थोड़ा सा होल्ड करते देखिए मेरे स्मोक वगैरह कर चुके, टीएल जी घोस्ट अपने यहाँ पे लोकेशन नहीं दे रहे, लेकिन हम डीएमआर के स्क्वाड अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह शेयर करते, मैक्स कर चुके हैं, हम नॉकआउट कर दीजिए जूनियर का FTW के स्क्वाड आखिरकार फाइट में एंगेज करते हुए टीम चेकआउट करते टीम मैक्स की तरफ बढ़ते, लेकिन ये जो 2v2 फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टीम टीएल जी शायद से जी कंटेस्ट करने के बढ़ते, केवर ने यहाँ पे ऑलरेडी लीड कर चुके हैं, टीएल जी केवर अब एक तरह से टीपी भी लेने की कोशिश, लेकिन चेकआउट करते क्या उनको स्पॉट आउट कर पाते हैं, टीएल जी केयर काफी ज्यादा ओपन मार दिया उनको स्पॉट आउट कर सकते हैं, उन्होंने डीवा के दोनों स्पॉट आउट किया, लेकिन उन्होंने डिबू को भी नॉक दिया, लेकिन खुद भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे सागर के पे स्कारल के स्प्रे से, सागर भी सर्वाइंग, सागर भी तो फुल सर्वाइंग कर रहे, लेकिन टीएल जी को थोड़ा सा वन एच पी हो जाएंगे उन पर रशिंग, टी के उन्होंने सबसे पहले ड्यू का खेल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश की, टीएल जी गोस्ट पर रशिंग करते करंट हो जाएगा जी आखिरकार, और यहाँ पे टीम टीएल जी यहाँ पे हेलमेट हो जाएगी, टीम आर के सागर 16 मैच स्टैंडिंग, फटाफट से बढ़ते जो टीम टोरंटो की स्क्वाड फाइव नॉट जी टी स्क्वाड से टीम सीएन की स्क्वाड के जी फाइट हो रहे थे, टी ने ठीक है 4 मैच स्टैंडिंग तो मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम सीएन के कथा ना अभी सर्वाइंग कर रही है, मैक्स के सिद्धू को हमें स्पॉट आउट कर चुके हैं, वन मैच स्टैंडिंग जो सिक मैच अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, उनके यहाँ पे दोनों हेलमेट है वैसे दोनों डैमेज हो जाएंगे, सिर्फ 10 बैंडेज के बीच अपने सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन टीम FTW स्क्वाड ने शायद से उनको स्पॉट आउट कर चुके हैं, मिलिट्री बेस में आयरलैंड फिलहाल के लिए बिना लूट के साथ अभी निकलते हुए देखने को मिल जा रहे मित्र और शायद से अपने लिए पोजिशन पॉइंट्स को सिक्योर करने की कोशिश करें, उनके सिर्फ से M16 है तो इतना उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला शायद से लूट करने का, तो टाइम नहीं मिलने के चक्कर में यहाँ पे शायद से हेलमेट होने का चांस है, और मैक्स के सिद्धू को स्पॉट आउट कर चुके हैं, सीएन के कतान को डायरेक्टली नॉक फिनिश आउट कर चुके हैं कलर के द्वारा, और हम भाई वेस्ट सिक में इतने यहाँ पे शायद से FTW बालू को नॉक किया था, लेकिन पीयूष ओपी की तरफ से कवर फायर आ जाएगा, और हम भाई टीम नंबर मैक्स यहाँ पे हेलमेट हो जाएगा 13 पोजिशन से, यहाँ पे कोई बात नहीं जीजी बोलते हुए, और अपने ऑलरेडी यहाँ पे 3 स्क्वाड पे हेलमेट हो चुके, टीम सीएन हेलमेट हो चुकी है, टीम टीएलजी हेलमेट हो चुके एंड टीम मैक्स यहाँ पे हेलमेट हो चुके हैं, यहाँ पे बेटर लक बोलते हुए नेक्स्ट है, और हमें डीएमआर सागर भी मतलब ऑलमोस्ट हेलमेट होते तो बच गए थे, लेकिन टीम टोरंटो वैसे टीम आर्पन गेमिंग की फाइट हमें 4v4 फाइट, और हमें फिलहाल के लूट वगैरह करते हैं प्रोफेसर वगैरह पे बानोस वगैरह देखते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर अपने स्क्वाड से, यहाँ पर डीओ वगैरह शायद से फिलहाल के फॉल बैक करने का कॉल आ जाएगा टॉक्सिक वेनम के साथ, नो बाजी पे बढ़ते हैं यहाँ पे नो बाजी हुई तो बाइक के साथ हमें जोन के अंदर से रोटेशन दे रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी उनका लूट वगैरह करना बाकी है तो उसके मतलब शायद से फाइट में एंगेज करें, लेकिन बढ़ते हैं अभी फिलहाल के अपार्टमेंट बढ़ते हैं जो कि टीम नंबर लिक्विड क्वांटम की स्क्वाड अभी होल्ड कर रही थी, लेकिन जिन्हें टीम ने SOP के फेस को नॉकआउट कर चुकी, ये वाली फाइट कहाँ पे एंगेज हो रही चेकआउट करते हैं, ये टीम SOP की स्क्वाड ने रेसिंग कर चुकी टी के मिले हुए फिर लेकिन जी ने समेल को स्पॉट आउट कर दिया, पिस्तल के उनको फिनिश आउट कर दिया, काफी ज्यादा बेहतरीन पिस्तल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी के सुजल फिलहाल के लिए हेलमेट हो जाएंगे और सी वजह 3 मैच स्टार्टिंग, ये वाले फाइट को पता नहीं मेरे को कैसे मैं टी के स्क्वाड पे कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट के पिस्तल था और यहाँ पे टीम नंबर सॉरी मैं बड़े कौन टीम जो SOP के स्क्वाड थे जो कि उन पर स्लैमिंग वगैरह थी उनके काफ़ी अच्छे लूट थे जैसे UMP हो गए M4 हो गए वैसे लूट होने के बावजूद भी यहाँ पे हेलमेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे टी ने कैसे ये वाला क्लच निकाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लच निकल चुके टोटल 7 किल्स का, ये वाली टीम अपने लिए किल्स पे किल्स सिक्योर करे और अपने जरूर से टॉप 5 में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने यहाँ पर टीम TNC के टीम DMR के सागर काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिया है, DMR के सागर फिलहाल के लिए लूट वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ऑलरेडी लूट कर चुके हैं नो बार जी उनको स्पॉट आउट कर रहे हैं M4 के स्पेस और डीआर के सागर अपना सक्सेसफुली फॉल बैक कर चुके हैं विद द USA, अगर कहीं पे भी रोकेंगे तो उनके USA डायरेक्टली स्पॉट आउट हो जाएगी तो उन पे डायरेक्टली स्लैमिंग आने के भी चांसेस है, तो जरूर से वो फिलहाल के लिए अपने
अपने जो यूएसएल को छोड़ने का सही से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीवान सागर उन्होंने एओजी निकाल चुके, तो निकाल चुके थे यहाँ पे ड्रॉप से, और पे कॉस करते हुए यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे यहाँ पे इब्राहिम मोयू की तरह, और पे चेकआउट करते हैं टीम कॉस से टीम अरुण के पीछे फाइट हो रहा था, चेकआउट किया था यहाँ पे इब्राहिम मोयू कॉस करते हुए डायरेक्ट किल वगैरह करते हुए नोट को सर्वे कर दिया, और इब्राहिम मोयू को फोटो करते हैं उनको फिनिश ऑफ कर दिया, और अर्बन गेमिंग मटर से बचे अर्बन गेमिंग मटर से फोटो करते हैं नोट कर विद 1 HP का सर्वे करते यहाँ पे मटर चॉप का किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश, यहाँ पे कॉस की पूरी पूरी स्कॉर तो यहाँ पे आ चुकी है उनका कॉर फाइट देने के लिए, जी राइज नहीं फिनिक्स वगैरह आ चुके थे, और टीम अर्बन गेमिंग का भी बंदे सर्वाइव कर जो कि प्रोफेसर एंड प्रोफेसर यहाँ पे रेसिट रहते हैं ग्रेनेड से नॉकआउट काफी बेहतरीन ग्रेनेड उन्होंने ग्रेनेड कर चुके थे फिनिक्स को भी, और उसके वजह से यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं अर्बन गेमिंग के मार देंगे प्लेयर के रेसिट करते हैं अभी इंडिया ग्राउंड को जी 1 HP के सर्वे करा अगर एक और ब्लड करंट होता तो शायद से यहाँ पे हेलमेट भी पूरी पूरी स्क्वाड पे हेलमेट होने के चांस है टीम कॉस विद द सर्वाइविंग, यहाँ पे नोट गोड के जोर से यहाँ पे 2 kills सिक्योर कर चुके हैं, तीसरा किल को सिक्योर करने के चक्कर में खुद यहाँ पे हेलमेट होने के चांस थे टीम कॉस कर रहे थे, यहाँ पे बैक साइड में आ जाएंगे और बैक साइड से जोर से उन पर शायद स्लाइमी देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी बग्गी काफी ज्यादा डैमेज है और बग्गी से काफी ज्यादा अच्छी लगती तो जिसकी वजह से अपना को सर्वाइव करने में सक्षम हो पाए, लेकिन नोट गोड वगैरह फिर से डैमेज दे चुके हैं कॉस के फिनिश और वापस से फ्लैंक पे निकल चुके विद मिनी 49 के साथ कुछ कमांड कर पाते कि नहीं से अर्बन गेमिंग को मार दूंगा स्पॉट कर चुके, लेकिन राइजन ने उनका किल वगैरह सिक्योर कर चुके, पर अर्बन गेमिंग स्क्वाड यहाँ पे हेलमेट रोजी करते 11th पोजीशन काफी ज्यादा बेहतरीन उन्होंने फाइट में एग्जीक्यूट किया था, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे अर्ली एडमिशन हमको देखने मिल जाएगा, और हम बढ़ते टीम इंसेंट की तरफ, टीम इंसेंट जो कि नॉट जो नहीं फिलहाल के जॉर्जो सिटी वगैरह लूट कर रहे हैं यहीं पे उनके नहीं सॉरी माय बैड दिस इज टीम FTW में टीम इंसेंट पे क्लिक किया सॉरी सो यहाँ पे टीम FTW की स्क्वाड अभी भी जॉर्जो पोल से अब तक निकली नहीं है, मतलब फिलहाल मिलिट्री एलाइंस से निकली भी नहीं है, तो अभी वहीं से लूट वगैरह कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे टीम इंसेंट की स्क्वाड की तरफ से रोटेशन आ रहा है, उन्होंने जॉर्जो पोल सिटी को पूरा एक्वायर करके उसके अंदर शायद से ब्यूटीफुल लूट वगैरह सिक्योर करने का अभी अपने शायद से जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश करें, ऑलरेडी जोन के अंदर एंट्री है फिर चेकआउट करते जोन का मतलब टी की स्क्वाड वापस से रशन करते टी की स्क्वाड हमें स्लाइमिंग दे चुके टीम नंबर डबल डबल स्क्वाड हमें दो बंदे नॉकआउट हो बर्फन के पैर सर्विंग देखिए और मेकिंग से क्या क्लच कर पाते थे, लेकिन जी ने टी के अमन ने कर दिखाया वापस से क्लचिंग करते टी के अमन अमन के दौरान स्कालर और मेयल को दोनों बंदों को यहाँ पर रिवाइव देते हुए देखने में जाएगा, यहाँ पे स्कालर का टोटल 4 kills यहाँ पे अमन का 2 kill मेयल का 2 kill एंड सुजल का 1 kill की वजह से टोटल 10 kills सिक्योर हो चुके ऑलरेडी से, तो ये स्कॉर काफी ज्यादा बेहतरीन खेलते हो आज के मैच के अंदर, फटाफट से चेकआउट करते हैं इस बार स्कॉट्स वगैरह कहाँ पे जाएगी जोन आप जैसे कि आप देखते गटका रोइंस पोचिंग के फेरी पियर पे फार्म के अंदर छोटा सा सर स्कूल एंड अपार्टमेंट में वैसे बंदे यहाँ पे जी हाँ स्कूल एंड अपार्टमेंट से थोड़े से फाइट हो सकती है टीम बेस्ट मेरे को यहाँ पे अपार्टमेंट से ऐसे स्कूल की तरफ बढ़ते हुए देखने मिले, और यहाँ पे टीम लिक्विड क्वांटम यहाँ पे स्कूल पे ऑलरेडी होल्ड कर चुके थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी आप पिज्जा बॉय वगैरह यहाँ पे ड्रॉप्स के ड्रॉप को चेकआउट करते हैं ड्रॉप को जोर से फाइट ड्रॉप को जो भी स्क्वाड कंटेस्ट करने आगे उनका किल वगैरह सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एक तरह से होल्ड करते देखने मिले, लेकिन टीम बीच के स्क्वाड काफी ओपन में था जी तो बॉट के अंदर बॉट के गजिए जोर से बीच के गजिए थोड़ा सा फायरिंग आया था तो इसके से अपने को फॉल बैक कर चुके यहाँ पे UMP के ज्यादा डैमेज तो देने पड़ेंगे, लेकिन अपने स्मोक के कर्स शायद से उन पर रशिंग करने का मोमेंट आता जी गजी की तरह से यहाँ पे एग्रेसिव पुश देखने को मिल जा रहा है, टीम लिक्विड क्वांटम पे उनका शायद से रशिंग कर पाते हैं, लेकिन ग्रेनेड आते जी यहाँ पे ESP मैंडी की तरफ से ग्रेनेड आता काफी ज्यादा बेहतरीन ग्रेनेड वन ऑफ द ब्यूटीफुल नेट्स आई हैव एवर सीन इन दिस चैनल, तो यहाँ पे ESP मैंडी की तरफ से जो ग्रेनेड है फिलहाल के लिए तो बीच के गजी नॉकआउट पिज्जा भाई यहाँ पे ओपन मारते पिज्जा भाई एक और ग्रेनेड को कुक करते यहाँ पे ग्रेनेड से क्या स्क्वाड हेलमेट उसे चेकआउट करते फिर थंडर रोज भी जोर से जी ने थंडर रोज भी ग्रेनेड वगैरह आए थे, लेकिन फिलहाल के सेफ है यहाँ पे चेकआउट करते एक और नॉक क्या हो सकता है कि नहीं एक और नॉक हो जाए जी हमें बीच के वापस से नॉकआउट जाए ग्रेनेड से नॉकआउट जाए यहाँ पे मॉली से उनको कन्फर्म हो सकता है बॉट कहते हैं कंटिन्यूस मॉली कर दिया मॉली से हमें पिज्जा भाई की तरफ से नॉकआउट जाए बॉट के तो अभी से वन मैच स्टैंडिंग थंडर रोज विद एम4 और उसी के सर्वाइव कर रहे हैं पे बोट के अंदर को जोर से रिवाइव देते हैं 2v3 सिचुएशन लेके पिज्जा भाई यहाँ पर रशिंग करते थंडर रोजी की तरह कुछ कुछ क्लच मोमेंट रहना पड़े जी हाँ क्लच मोमेंट होता तो रह जाएगा थंडर रोजी को स्पॉटेड कर चुके थे यहाँ पे AKM के स्प्रे से यहाँ पे एक तरह से 2v3 कर 2v3 ने 3v3 फाइट को एग्जीक्यूट करते हुए विदाउट टेकिंग एनी सिंगल डैमेज किया टीम लिक्विड क्वांटम में इस वाले फाइट को जीते DMR के सागर को स्पॉट आउट कर चुके डोरमन की तरफ और टीम नंबर टीम लॉस्ट की तरफ बढ़ते टीम लॉस्ट हो सकती टीम कॉस के बीच में फाइट हो सकती टीम लॉस्ट 4-man स्टैंड में शायद से उनका रोटेशन वगैरह देते वक्त टीम लॉस तो शायद से थोड़ा सा दूर है, और हम बढ़ते हैं फिलहाल के टीम टोरंटो के स्क्वाड पे टीम FTW के यहाँ पे एक बंदे हेलमेट हो चुके हैं शायद से उन्होंने जी हाँ कुछ देर पहले उन्होंने 3 बंदे को हेलमेट एक स्क्वाड को हेलमेट किया था जो कि मैक्स स्क्वाड थे, और अभी
डीमार के एक प्लेयर को हेलमेट करना के चक्कर में ऐसे एफडब्ल्यू के पीएसओ भी यहाँ पे हेलमेट हो चुके हैं। सो यहाँ पे जीजी बोलते हैं और यहाँ पे जूनियर फिलहाल के स्काउट करने की कोशिश विद एम फोर एन स्कारल के साथ। हमको उनको पिछले वाले मैच में देखा था कि उन्होंने एम फोर एंड एम फोर का कॉम्बिनेशन रन किया, तो और इस वाले मैच में फिलहाल के एम फोर एन स्कारल का कॉम्बो वगैरह रन करते हुए स्पॉट आउट हो रहे हैं। और हम बात करें टीम टोरंटो की तरह, इनके यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पर ऑलरेडी हेलमेट हो चुके हैं, फिलहाल के लिए सिक्स हाउसेस पर होल्ड कर रहे हैं। क्या उनको पता है कि यहाँ पे टीम एफडब्ल्यू की स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज है? क्या टीम एफडब्ल्यू को पता है कि यहाँ पे टीम टीएनसी की स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है और फिर रॉक स्टार वगैरह स्पॉट यहाँ पे इमोजेस वगैरह करते हैं? यहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे जब तक के लिए कोई नहीं आ रहा तब तक थोड़ा सा इमोजेस वगैरह कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल टिम्पल के गाने पे यहाँ पे डांस करने का टीम एफडब्ल्यू की स्क्वाड यहाँ पे रोटेशन वगैरह देते हुए पाए जाएंगे। डोर फिर जूनियर वगैरह बगी के पीछे और सीटें बैठे तो थोड़ा सा रिस्क का फैक्टर है, लेकिन फिर भी रिस्क के फैक्टर के बावजूद होने के बाद ये टीम लॉस्ट की तरफ से बढ़ते हुए लॉस का रिकॉर्ड उसको क्या स्पॉट किया था फिलहाल डबल वेयर हाउस पे यहाँ पे होल्ड करते हैं। देखने मुझे टीम लॉस्ट की स्क्वाड यहाँ पे ये फाइट को एंगेज नहीं कर रही, तो साथ ही साथ थोड़ा सा सेफ खेलते हुए मेरे को पाए जाएंगे। क्या टीम एफडब्ल्यू की स्क्वाड क्या जी हाँ स्लैमिंग देते हुए मेरे को नजर आ रही है? हमें डोरेमोन वगैरह स्लैमिंग दे रहे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर इनकी तरफ से हमें रोटेशन वगैरह आ रहे हैं। एक तरह से उनके पीछे से शायद एक आध दो नॉक वगैरह करने के बाद शायद से रशियन आएगा जूनियर के साथ डोरेमोन बढ़ते हुए और यहाँ पे एफडब्ल्यू के बालों उनको सॉरी माय बैड यहाँ पे एफडब्ल्यू के बालों उनके पीछे पीछे आ रहे थे तो मेरे को तो शायद से उन पर स्लैमिंग आ सकता है, लेकिन उनके तरफ से सिर्फ रोटेशन आ रहा है और साथ ही साथ टीम लॉस की तरफ से भी कुछ फायरिंग वगैरह नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से ये वाले फाइट को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगे और उन्होंने जोर से यहाँ पे व्हीकल को स्पॉट किए हुए डोरेमोन वगैरह पे इस वाले फाइट में एंगेज करने के लिए बढ़ते हैं। डोरेमोन विद एम फोर सिक्स के साथ चेकआउट करते क्या नॉक वगैरह सिक्योर कर पाते हैं? यहाँ पर टीम लॉस को जोर से पता है रोटेशन वगैरह है और यहाँ पे पूरी स्काउटिंग करने की कोशिश। रेगोल्टोस विद डी पी ट्वेंटी एट के साथ क्या टीम एफडब्ल्यू के प्लेयर को क्या नॉक कर सकते कि नहीं चेकआउट करते हैं? नजर इतना बड़ा जोन है, इतने बड़े जोन के अंदर अभी तक किसी भी स्क्वाड की फाइट वगैरह नहीं होती, वैसे 17 साल है तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से लॉन्ग रेंज फाइट हमको देखने मिल सकता है। एक स्क्वाड की कि मेंबर्स को लॉस्ट करने के चांस है, तो यहाँ पे वैसे ही हमको देखने मिलता है। टीम एफडब्ल्यू का वापस रोटेशन आते हैं, ड्रॉप को एक्सेस करने की ट्राई करेंगे जी ने ड्रॉप को एक्सेस करना मतलब सीधे सीधे मौत के घाट उतरना है, तो उसके मतलब शायद से हम थोड़ा सा सेफली यहाँ पे इस वाले पोजीशन को होल्ड करें और यहाँ पे ड्रॉप पे कोई भी आएगा तो वहाँ पे कंटेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे बढ़ते हुए तीसरे एड्रॉप के तीसरे एड्रॉप के कौन से वेपन चेकआउट कर ही लेते हैं और तीसरे एड्रॉप के अंदर MK14 तो यहाँ पे जोर से हमें फायरिंग वगैरह एंगेज करते हुए जिया टीम एफडब्ल्यू की तरफ से बढ़ते यहाँ पे टैप फायर देने की कोशिश और हमें टीम लॉस्ट की तरफ से लॉस्ट के प्लेयर कौन से प्लेयर हम पे कंटेस्ट कर रहे हैं? लॉस्ट कैरी विद स्कारो के हम पे फायरिंग देने की कोशिश, हमें बालू को स्पॉट कर चुके बालू पे हमें स्कारो का टैप फायर देने की कोशिश हेडशॉट वगैरह कनेक्ट किया जी ने कि हम ओपोनेंट की तरफ से बॉडी शॉट कनेक्ट और लॉस्ट के रिवर्टर्स विद DP20 के स्प्रे काफी बेहतरीन टैप फायर दिया था बालू विद 1 HP सर्वाइव अपने को कवर में जरूर से लेकर चुके लेकिन हमें रिच के ग्लिच की वजह से हमें बंदे स्पॉट हो रहे हैं लेकिन हमें बंदे पे बुलेट वगैरह कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अभी भी थोड़ा सा चांसेस है कि एफडब्ल्यू के स्क्वाड यहाँ पे चलो फाइट को एंगेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिच के ग्लिच हो रहा है लेकिन डोरेमोन विद M4 के साथ हमें स्प्रे डाउन करने की कोशिश तो प्लेयर्स पे थोड़ा सा छोटा मोटा डैमेज दे रहे और दोनों स्क्वाड के यहाँ पे जोर से यहाँ पे यूटिलिटीज के साथ साथ यहाँ पे हेलमेट वेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो लेकिन यहाँ पे फिर भी होल्ड देखने मिलते हैं जूनियर पे जूनियर की पोजीशन वगैरह रिवेल है डोरेमोन वगैरह कंटेस्ट करने की हेडशॉट कनेक्ट हो जाए स्कारल से हेडशॉट कनेक्ट हो जाए लेकिन यहाँ पे वापस चेरी की तरफ से यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट हो जाए डोरेमोन यहाँ पे नॉकआउट हो जाए यहाँ पे एफडब्ल्यू के दो एक बंदे नॉकआउट हो चुके साथ से रशियन आ जाए चेरी वगैरह यहाँ पे अपने यहाँ पे डासे को रन करते हुए टीम एफडब्ल्यू स्क्वाड पे ओपन में तो लॉस्ट की तरफ से दो बंदे फ्लैंक में ऑलरेडी निकल चुके और बाकी दो मेंबर्स की तरफ से क्या रशियन आ रही है डेविल वगैरह रस तो करे लेकिन हैरी को यहाँ पे पीछे छोड़ते चेरियन रेगल्टोस यहाँ पे रशियन कर चुके हैं। नॉइस के जूनियर के पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉग हो सकते हैं अगर वहाँ स्पॉट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे रेगल्टोस बढ़ते रेगल्टोस काफी ज्यादा एग्रेसिव पुश कर रहे हैं यहाँ पे M4 and DP28 के साथ लेकिन टीम फाइट हो रही है
मरते टीम डी की तरफ, टीम डी की स्क्वाड काफी ज्यादा एग्रेसिव है, यहां पे एफडब्ल्यू के बालों का किल सिक्योर करते हैं लॉस्ट के हैरी की तरफ, और एफडब्ल्यू की इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहां पे अपनों को सक्सेसफुली फॉल बैक कर चुके, लेकिन डी की स्क्वाड एक तरह से सैंडविच होने के चांस है क्योंकि टीम लॉस्ट एंड टीम एफडब्ल्यू की स्क्वाड वापस से क्लोजिंग देगी, यहां पे लॉस्ट के स्क्वाड ने ऑलरेडी क्लोजिंग देते हुए देखने मिल जाएगा, थोड़ा सा ओवर ले लेते हैं और ओवर वीक से पता चलेगा बाकी सारे स्क्वाड्स के क्या पोजीशन है। रेगुलेटर्स काफी ज्यादा एक्सटेंड करते, काफी ज्यादा एग्रेसिव है एफडब्ल्यू के, डोरेमोन ने फॉलो कुछ टी के मेल, और अभी सिर्फ बचे दो बंदे सर्वाइन स्कायलर एंड अमन, स्कायलर और अमन पे रशिंग करते देखने मिल जाएगा रेगुलेटर्स के द्वारा, अब इनसेन के साइड में रॉकस्टार किल से कर करते हैं, इनसेन के साइड में टॉक्सिक वेनम को भी अपना करते हैं, स्कायलर को फॉलो करते हैं, साथ ही में अमन का किल से कर करते हैं, क्योंकि टी के स्क्वाड सिर्फ बचे वन मैन स्टैंडिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन टीक के बाकी जो एक मेंबर थे वो फिलहाल के लिए जीने, वो टीक की पूरी पूरी स्क्वाड में हेलमेट हो चुकी है, और टीम लॉस्ट के खाते में टोटल तीन किल जा चुके, और तीनों के तीन किल फिलहाल के लॉस्ट के रिजल्ट टॉस पे जाते हुए काफी ज्यादा बेहतरीन एग्रेसिव पुश देखने मिल जाएगा विद द डीपी डॉटेड किल ब्रेकर, और टीम ऑफ द स्क्वाड प्लेयर अपना को फॉल बैक कर चुके हैं, उनके खाते में टोटल फाइव किल जा चुके हैं, लेकिन उनके भी यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे हेलमेट हो चुके, लेकिन फिर भी हम कंटेस्ट करते देखने मिल जाए डोरेमोन की तरफ, डोरेमोन विद एम फोर के काफी ज्यादा एग्रेसिव इस वाले मैच के अंदर लेकिन उनके यहाँ पे हेलमेट ऑलरेडी यहाँ पे बशर्ट हो चुके, तो सिर्फ बचे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपसे बचे एक बुलेट के शिकार तो, और अगर एक भी बुलेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हेलमेट होने के चांस, टीम इंसेंट की स्क्वाड में सिक्स ऑफ में रशन करके साथ से टीम टीएनसी की स्क्वाड को हमें हेलमेट कर चुके थे, और इंसेंट के अभी थ्री मैच स्टैंडिंग यहाँ पे सेफ को थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन अभी सिर्फ उतना डैमेज के बाद भी उन्होंने एक स्क्वाड को हमें हेलमेट कर चुके, और हम बढ़ते टीम नंबर लिक्विड क्वांटम की स्क्वाड जो कि डबल बानास के अंदर आई है, जो कि स्क्वाड पे टीम लॉस्ट के स्क्वाड यहाँ पे होल्ड कर रही थी फिलहाल के उस वाले पोजीशन पर टीम लिक्विड क्वांटम ने यहाँ पे एक्सेस कर चुके, और टीम लॉस्ट यहाँ पे फॉल बैक करने का डिसीजन आते हुए फिर नॉट रॉन्ग या फिर चेकआउट करते हैं, फिर सिर्फ फाइट में पूरी पूरे एंगेज करते हुए रेगुलर टॉस यहाँ पे वापस से रश पर सब देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे हैरी भी बढ़ते हैरी वगैरह कहाँ स्पॉट कर रहे हैं यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टीम इंसेन की व्हीकल थी या फिर जी हाँ वो डी एम आर प्रमोद की व्हीकल थी, तो उनकी यू एस एड थी, तो फिलहाल के वहाँ पे वो पार्क के या फिर शायद वहीं पे होल्ड करते, तो अभी वो उनका किल भी शायद से एफडब्ल्यू के खाते में ही गया हुआ था, तो यहाँ पे टीम एफडब्ल्यू की शायद से जूनियर बढ़ते जूनियर यहाँ पे फॉल बैक करते जी हाँ डोरेमोन वगैरह विद द बग्गी के साथ स्लैमिंग वगैरह देने की कोशिश, यहाँ पे डीएमआर के शायद से लूट वगैरह लूट क्रेट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे या फिर उनको लूट वगैरह कंटिन्यू करें, यहाँ पे दो पेटी तो शायद से फिर एफडब्ल्यू के पीएसओपी का किल भी यहीं पे सिक्योर हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे बढ़ते टीम इंसेंट के तरह जो कि यहाँ पे सिक्स हाउस पे थी वो शायद यहाँ पे रोटेशन दे रहे सेफ, फिर यूएस एड के साथ पे रशन करते हैं साइल भी सेम, फिर अपने बगी के साथ उनको फॉलो करने की कोशिश, सोइल भी उनको फॉलो कर रहे थे कि यहाँ पे चेकआउट करते हैं इंसेंट के सेफ कहाँ तक यहाँ पे एंट्री करते हैं साथ जोन के फेवर कर यहाँ पे टीम एफडब्ल्यू के साथ हमें फाइट में एंगेज करते हैं कि नहीं चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंसेंट के सेफ यहाँ पे स्काउट करने की कोशिश, लेकिन इतना टाइम उनको देने का मूवमेंट तो नहीं देंगे क्योंकि हमको पता टीम एफडब्ल्यू के स्क्वाड हमें फाइट में एंगेज कर दिए जाएंगे, हम इंसेंट के सेफ में थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन अपने फॉल बैक कर चुके कि सक्सेसफुल, और हम पे शायद किसी सेफ पोजिशन में जाने के बाद रुके लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे व्हीकल को डैमेज कर चुके हैं, तीनों बंदे के व्हीकल काफ़ी ज़्यादा लो है लेकिन फिलहाल के लिए तो बस डाउन के तो सिचुएशन में नहीं है, तो यहाँ पे सेफ मेरे को देखने मिल जा रहा है कि डोरेमोन वगैरह थोड़ा सेफ खेलते हुए पाए जाएंगे, और जोन बन चुके जोन अभी पोचिंग की तरफ बना स्कॉट्स को पोचिंग में जाना पड़ेगा, वरना फिर यहाँ पे हेलमेट होने के चांसेस अपने चौथे ड्रॉप ऑलरेडी एक्सेस नहीं किया इसके अंदर एयूजी जैसी वेपन है, तो यहाँ पे स्क्वाड में कोई भी क्लोज में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन क्या टीम लिक्विड क्वांटम की स्क्वाड के जोन के अंदर एंट्री करते करते क्या इस वाले एड्रॉप के एक्सेस करेगी कि नहीं, जी ने एक्सेस तो नहीं कर पा रही है फार्म के ये बानोस के थ्रू से यहाँ पे रोटेशन दे रही है, और शायद से यहीं पे होल्ड करके यहाँ पे होल्ड करना तो उन्हें जोन का बस वेट करने जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे जोन का वेट करते करते शायद से जोन टू जोन एंट्री करें, लेकिन लॉस्ट करेगा तो उसने यहाँ पे इंसेन के सेफ पे नॉकआउट कर चुके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डीपी डोनेट करना, और अब रशन आते हुए देखने मुझे लॉस्ट के स्क्वाड की तरफ से यहाँ पे रश करेगा तो अकेले रश कर रहे हैं फिर शायद अपने पोजीशन वगैरह चेंज करें, टीम इंसेंट की तरफ बढ़ते इंसेंट के सेफ का यहाँ पे रिवाइवल तो मिल जाएगा साथ ही साथ उनको यहाँ पे रिवाइवल मिलने के साथ पूरी पूरी स्क्वाड यहाँ पे फॉल बैक कर चुके हैं, इंसेंट के सोइल एंड साइल यहाँ पे दोनों के दोनों निकल चुके हैं पोचिंग वाइट स्पॉट हो जाए, और इंसेंट के सेफ अपने आप यहाँ पे व्हीकल को थोड़ा सा स्ट्रेफ करना पड़ेगा लेफ्ट साइड उन्होंने नॉक एंड फिनिश होने के चांसेस यहाँ पे व्हीकल काफ़ी ज़्यादा लो व्हीकल पर स्प्रेड आउट कर दिए जाएंगे, तो इंसेंट सेफ हमें नॉक एंड फिनिश होने के चांस अब जी अपने को सेफली लेके तो आ चुके हैं, लेकिन रेगल्ट से नहरी भी जी रशिंग करते हुए रेगल्टस विद एम फोर एंड डीपी के साथ हमको रश करते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन टीम एफडब्ल्यू की बात करें एफडब्ल्यू आ चुकी है सर फाइट में एंगेज करने के लिए, जैसे उनके एक ही बंदे को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुके वैसे ही वो भी सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके खाते में एक और दो नॉक जाए एंड एज वेल एज वो भी चाहते हैं कि अभी स्क्वाड को हेलमेट करने में और साथ ही साथ उनको रिवेंज होकर कंप्लीट करने में, और जैसे बोले टीम कॉस की स्क्वाड टीम कॉस के हाथों ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं फाइट के अंदर,
नोट कॉर केस ऑलरेडी दो के जा चुके थे, तो मिनी 14 सीकेट टीम डेवलपमेंट को केस ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके हैं। चेकआउट करते क्या वो पीक वगैरह देंगे, अगर पीक वगैरह देते कि नहीं जीना टी पी लेने को से फिर नेट जूनियर अपने व्हीकल के साथ अपने जैसे फाइट में एंगेज करते हैं। चेकआउट करते हैं लेकिन लॉस के स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा वाइट पड़े, लॉस के डेविल सिर्फ फाइट में एंगेज करते हुए देखने को नहीं मिल रहा। शायद से जोन की गेट कीपिंग कर रहे अकेले, लेकिन अकेले गेट कीपिंग करना शायद से सेफ नहीं हो सकता, और एंशिएंट की सेफ जो कि ऑलरेडी वॉच टावर मार जाएंगे तो फिलहाल के अपने पोजीशन वगैरह नहीं रिवील करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोन डाउन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उनके व्हीकल को जरूर से स्पॉट किया होगा, तो अभी थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश। हमें लॉस्ट कैरेक्टर्स अपने को फॉल बैक करते हैं, जी हाँ लॉस्ट कैरेक्टर्स को स्पॉट आउट करते हैं, करने की सेफ किया यहाँ पे फिलहाल सेफ पे शायद से स्लैम जी होने के प्लेयर है, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ खेल रहा है सेफ। लेकिन लॉस्ट की तरफ से काफ़ी बड़ा रोटेशन देखने मिल जा रहा है, डू मैच स्प्लिट खेलते हुए देखने मिलते लॉस्ट के रेगुलेटर से लगे उनके प्लेयर जो कि डेविल को फॉलो करते हैं, और डबल बानस पे आते हैं पोचिंग की बानस पे हम होल्ड करते हैं। देखने मिलते नोट के गॉड ने डोरेमोन को नॉकआउट कर चुके, कॉस के फिनिक्स डोरेमोन का किल ऑलरेडी सिक्योर कर चुके। चेकआउट करते पिज्जा बॉय फिलहाल की टीम लॉस्ट में जोन के अंदर एंट्री करते हुए देखने मिल जाएगा। लॉस्ट के प्लेयर को स्पॉट आउट कर चुके, हैरी एंड चेरी को दोनों को स्पॉट आउट करते हैं, हैरी को एंट्री फिनिश आउट करने के चांस अभी काफ़ी ज़्यादा, और हम पे हैरी का किल वगैरह सिक्योर करते हैं। पिज्जा बॉय के ए डब्ल्यू के प्लेयर थे लॉस्ट कैरेक्टर्स को काफ़ी बेहतरीन हेडशॉट करा पड़ा, और लॉस्ट कैरेक्टर्स भी डायरेक्ट नॉकआउट फिनिश होने के चांसेस थे पूरे के पूरे। या लॉस्ट के डेविल चेरी भी सर्वाइव करें, यहाँ पर टैप पर देने कोशिश रेवल टॉस करें सर्वाइव किया, रेवल टॉस को हमें मिल जाएगा कि किसी चक्कर को हमें कॉल करा देंगे चेरी की तरफ से। चेरी का आगे का पोजीशन को रिवील कर चुका, और हमें चेरी को स्पॉट आउट करते काफ़ी। यहाँ पे ए डब्ल्यू का स्प्रे जिन्हें यहाँ पे स्कारो के स्प्रे आ जाएगा ई एस पी मैंडी की तरफ से, और फिलहाल लॉस्ट के चेरी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे। और हम चेकआउट करते हैं सिर्फ मुझे लॉस्ट के डेविल फिलहाल के अपने प्लेयर का पिक ऑफ तो कर चुके, यहाँ पे हेलमेट पूरा का पूरा बस्ट आउट हो चुका है। टीम इंसेंट की तरफ बढ़ रहे थे, सॉरी मैं बट टीम इंसेंट के प्लेयर के उनके साथ काफ़ी सारे किल्स, और काफ़ी सारे किल्स को सिक्योर भी कर सकते हैं। कॉस की फिनिक्स ओपी भी बढ़ का कॉस के पूरी स्क्वाड को यहाँ पे वाइप आउट करने के चांस है। लेकिन हमें कॉस के स्क्वाड यहाँ पे कॉस के राइजन अकेले फ्रॉम नॉट रॉन्ग जी कॉस के राइजन अकेले थे उनके स्क्वाड के, इस जब मैंने लॉस्ट के चेरी का किल भी सिक्योर करते। टीम नंबर लिक्विड कॉर्नर अपने कहते हैं टोटल 6 किल लेके जा चुके, और साथ ही और भी कई सारे किल्स वगैरह सिक्योर करने को से टीम लॉस्ट में ऐसे उनका रशन आ जाएगा जी। रेगुलेटर्स वगैरह सर्वाइव कर पाते हैं, चेकआउट करते हैं बी एस पी मैंडी फिलहाल इंसेंट की स्क्वाड को स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आयुष को टेक लेकिन अब जी ने फिर टीम कॉस के प्लेयर भी आखिरकार इस वाले फाइट में एंगेज कर रहे हैं। ऐसे बोला इंसेंट के प्लेयर्स चारों तरफ से फाइट ले रहे हैं, साथ ही जो कि सेंटर में उन्होंने होल्ड कर चुके, उसके वजह से उनको काफ़ी सारे स्कॉट्स की तरफ से डैमेज देखने को मिल जा रहा है। और इंसेंट के सोयल जो कि आखिर इंसेंट के साइज जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर अपने स्कॉट की तरफ से वो एक तरह से सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जोन चेकआउट करते हैं, जोन काम आता है, अगर जोन अगर किस स्कॉट को फेवर देता है वो चेकआउट करता है। सिर्फ वजह 5 स्कॉट चला है, टीम इंसेंट हो जाएगी, टीम कॉस हो गई, टीम लिक्विड क्वांटम हो गई, टीम लॉस्ट हो गई, साथ ही टीम एफ डब्ल्यू के जूनियर अभी सर्विंग है, और जोन पूरा का पूरा टीम एफ डब्ल्यू के जूनियर को फेवर दे रहा है, तो अपनी पोजिशन को यहाँ पे सेफ करने की कोशिश। लेकिन उन पर जरूर से शायद से स्लैमिन वगैरह आ सकता है स्कॉट्स की तरफ, और वैसे ही शायद से टीम इंसेंट की तरफ से शायद स्लैमिन वगैरह आ रहा है कि नहीं चेकआउट करते हैं। यहाँ पे उनके पता है कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और अभी टीम लॉस्ट बढ़ती है, टीम लॉस्ट फिलहाल पे यहाँ पे टी पी भी लेने कोशिश डेविल की तरफ से, और रेगुलेटर्स बढ़ते हैं, रेगुलेटर्स भी शायद से स्काउट कर रहे हैं। लेकिन हम टीम कॉस आकर के फाइट मैनेज करते हैं, यहाँ पे कॉस के फिनिक्स ओपी विद द कॉस के नोट गॉड आई थिंक सो जी विद द मिनी 14 के नोस जूनियर क्वालिटी 1 HP कर चुके थे, लेकिन 1 HP करने का उनको नॉक करने में सक्षम नहीं हो पाया। इंसेंट के साइड पे बढ़ते हैं, इंसेंट के साथ फिलहाल के प्रोन डाउन पे जूनियर की क्या पोजीशन वगैरह रिवील है कि नहीं चेकआउट करते। अगर पोजीशन वगैरह रिवील होगी तो इंसेंट के साइड भी नॉकआउट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साउंड करते हैं, और साउंड की वजह से जूनियर जरूर से असल पोजीशन में ग्रेनेड्स वगैरह करने के चांसेस होंगे। दोनों प्लेयर्स के सामने शायद से एक भी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आखिरकार ग्रेनेड्स वगैरह करने की कोशिश यहाँ पे साइड की तरफ से, और अब ग्रेनेड पेंशन साइल में ओपन में खड़े हो चुके जी, शायद से ग्लिच आउट हुई मुझे ये नहीं पता, लेकिन अब इंसेंट के साइल में ओपन में खड़े हो चुके, तो जिसके शायद से बंदे स्पॉट आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की सर्वे कर रहे हैं, अभी सर्वे किसी करें मेरे को ये नहीं पता चल रहा, टीम इंसेंट की तरफ से रोटेशन है, टीम कॉस की तरफ से भी रोटेशन है, और नॉइस की जिन्हें स्पॉट आउट कर चुके, नॉइस की जिन्हें अब इंसेंट के साइल को नॉकआउट तो कर चुके, लेकिन बाकी प्लेयर्स की तरफ से बेहतरीन कवर फिर आते हैं। जूनियर ग्रेंड कुक कर दी, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ग्रेंड है, फिलहाल की ग्रेंड से डैमेज ऊपर देखेंगे, चेकआउट करते हैं इंसेंट के साइल पर मॉली करने की कोशिश, यहाँ पे जी हाँ ग्रेंड से कन्फर्म हो जाएगा, इंसेंट के सॉइल भी यहाँ पे ग्रेंड से नॉकआउट हो जाएगा, सेफ एंड सॉइल दो बंदे नॉकआउट हो जाएंगे, वन मैन स्टैंडिंग जो कि साइल है बिकॉज कर रहे थे इंसेंट सेफ का किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश, जी हाँ एक बंदा नॉक कर रहे थे दूसरा बंदा सिक्योर कर रहा है, इंसेंट के साइल सामने एक 1v1 फाइट है, नॉइस जूनियर को डैमेज देने की कोशिश, हमें ग्रेंड्स वगैरह कर चुके हैं, हमें मॉलिस वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुश वगैरह नहीं कर रहे इंसेंट से, लेकिन टीम कॉस के स्क्वाड काफ़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टीम लॉस के स्क्वाड काफ़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें नॉइस के जूनियर पर यहाँ पे रश करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जोन के जाना पड़ेगा, जोन के जाने के लिए उनको नॉइस के जूनियर से फाइट में लेना पड़ेगा। इंसेंट के सॉइल का किल फिलहाल के प्लेस उनसे कन्फर्म, यहाँ पे प्रिनेट कर चुके, फैम नॉट नॉइस जूनियर को स्पॉट कर चुके, हम इंसेंट के
आयुष ने यहाँ पे जोर से आयुष थर्ड पोजिशन हेलमेट कर दिए कॉस के फिनिश अपने प्लेयर को फटाफट से रिवाइव देते हैं एक तरह से 1v3 हो क्या 1v3 कर पाएगी चेकआउट करते हैं या फिर कॉस के स्क्वाड अपने एक इजी चिकन लेकर जा पाती है अभी कॉस के सामने ऑलरेडी 8 किल्स हो चुके हैं कि अपने खाते हैं कि और भी किल्स वगैरह सिक्योर कर पाते हैं कि नहीं कॉस फिनिक्स ओपी काफ़ी ज़्यादा ओपन में आते हैं एग्रेसिव पुश देखने को मिल रहा है उनको पता है कि सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव करे तो थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा और एक दूर से उनका किल वगैरह सिक्योर कर पाते लेकिन इंसेन के साइड को एक तरह से 3 बार 1v1 कर पाएंगे तो तब भी जाके ये वाला मैच कंप्लीट हो सकता है अभी उनके फेवर में जाते हैं अपने फिनिक्स ओपी फिनिश ऑफ को जरूर से स्पॉट किया लेकिन वराइजन के द्वारा उनको फिनिश ऑफ कर दिया काफी ज्यादा बेहतरीन एम4 का स्प्रे के द्वारा टीम कॉस गेटिंग द फर्स्ट चिकन विद टोटल 9 किल्स का यहां पे हमें तीनों प्लेयर के तीन तीन किल्स है तो एक तरह से थोड़ा साइमल्टेनियसली किल्स वगैरह किए या फिर क्या पता है लेकिन टोटल 10 किल्स की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन यहां पे 9 किल्स सिक्योर हो चुके हैं और हमें सेकंड पोजीशन में टीम इंसेन विद टोटल 4 फिनिशर्स थर्ड पोजीशन में टीम क्वांटम विद टोटल 3 फिनिशर्स सॉरी माय बैड 8 फिनिशर्स हमें फोर्थ पोजीशन में टीम एफडब्ल्यू विद 6 फिनिशर्स फिफ्थ पोजिशन में टीम लॉस्ट विद टोटल 3 फिनिशर सिक्स पोजिशन में टीम टी विद टोटल 10 फिनिशर यहाँ पे सेवंथ पोजिशन में चुकी है टीम टोरंटो विद टोटल 0 फिनिशर एट पोजिशन में टीम डी आर विद टोटल 6 फिनिशर नाइन्थ पोजिशन में टीम बीस्ट विद 0 फिनिशर टेंथ पोजिशन में टीम टपाटा विद टोटल 0 फिनिशर्स तो फटाफट से बढ़ते बाकी सारे स्क्वाड्स के भी चेकआउट कर लेते हैं टीम अर्बन गेमिंग विद 1 फिनिशर्स टीम 12th पोजीशन में चुकी टीम एसओपी विद 1 फिनिशर 13th पोजीशन में चुकी टीम मैक्स विद 0 फिनिशर 14th पोजीशन में चुकी टीम सीएन विद 0 फिनिशर एंड 15th पोजीशन सिक्योर करते हुए बाय टीम टीएलजी विद टोटल 3 फिनिशर्स के साथ तो आज के टीएनसी स्पोर्ट्स के अंदर बीजेएस स्क्रीम्स के अंदर हमारे सेकंड मैच जो कि एरंगल वाले मैप के अंदर कॉस के स्क्वाड ने एक इजी चिकन सिक्योर करते हुए विद टोटल 9 फिनिशर्स के साथ तो सो कांग्रेचुलेट करते हुए टीम कॉस फॉर गेटिंग द चिकन एंड साथ ही साथ एंड साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी स्क्वाड से रेगुलरली ज्वाइन करेंगे तो और रेगुलरली ज्वाइन करेंगे तो ऐसे आप ग्राइंड वगैरह भी कंटिन्यू कर सकते हो तो मैं सारे के सारे स्क्वाड मेंबर के साथ कहना चाहता हूँ जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना एंड एज वेल एज हमारे टीएनसी स्पोर्ट्स की स्क्रीन वगैरह को बातें को जरूर से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के और जरूर से उनको भी ज्वाइन करवाने के लिए मना सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हम बीजेएस स्क्रीन करवा रहे हैं ना ही कोई फंड कस्टमर ना ही कोई नॉर्मल कस्टमर्स वगैरह तो ये जो स्क्रीन वगैरह कर रहे हैं वो सोनली पर्पज जो कि बीजेएस के लिए प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए क्योंकि आपको पता है बीजेएस वे आने वाले काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बीजेएस के मैचेस वगैरह नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं सो उसके लिए आप स्क्रीन वगैरह करवा रहे तो आप में से किसको भी ज्वाइन करना आप में से किसको भी शेयर करना तो जोर से शेयर कर सकते हैं अपने सारे सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं एज वेल एज हमको इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम का पेज हमने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप जोर से वहाँ से कॉपी भी पेस्ट कर सकते हैं हमको टैग कर सकते हो तो वहाँ पर जोर से शेयर कर देना हमको एंड एज वेल एज जितने बंदे देख रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक करना मत बोलना एंड एज वेल एज सब्सक्राइब भी ठोक देना चैनल को तो वहाँ पर वीडियो यहीं पे एंड होते हुए सो यहाँ पे जरूर सीखना चाहते हो जितने बंदे देख रहे हैं अगर आपको हमारे स्क्रीन शो वगैरह में पार्टिसिपेट करना तो आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक होगा एंड एज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा तो वहाँ से ज्वाइन करके फटाफट से जाके हमको टैग कर सकते हो एडमिन्स को टैग कर देना तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जल्द से जल्द तो बस इतना छोटा सा एक काम है तो जरूर से ईजिली आप हमको पता है कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सो यहाँ पे वीडियो यहीं पे एंड होते हुए और जोर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए टीम कॉस फॉर गेटिंग द चिकन डिनर और यहाँ पे सेकंड फर्स्ट ओवर मैच के अंदर टीम एफडब्ल्यू के खाते में एक चिकन डिनर गया था सो उनको उनको भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए सो यहाँ पे जी जी बोलते हुए और साथ ही वीडियो यहीं एंड होते हुए सो दिस इज टीएनसी मामा विद टीएनसी टॉक्सिक साइनिंग ऑफ टाटा बाय बाय सी यू एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो Gonna be a long night.